कैसा लगा टूर? एक्चुअली तो इच्छा था ही नागिन की। अब तुम्हें मैं प्यार से अपनी गोद में उठाऊंगा, गाड़ी की डिक्की में डालूंगा, गाड़ी को खाई के किनारे ले जाऊंगा और वहां से तुम्हें नीचे। राधिका इच्छा था ही ना कहते। बताओ कि तुमने मेरे क्रश को कहां छुपा के रखा है। मुझे करण को आगाह करना होगा, करण कहीं उसी के जाल में ना फंस जाए। राधिका, मैंने तो तुम दोनों को अच्छा वक्त बिताने के लिए भेजा था, तूने ऐसा क्या कर दिया? बेचारे करण की शक्ल दे। ये राधिका ही वो छतरी नागिन। देश, तुम भी ना पुराने अखबारों की खबर बताते हो मुझे। मैं जानती हूँ कि राधिका इच्छाधारी नागिन। देख राधिका, मेरी तुझसे कोई जातीय दुश्मनी तो है नहीं। इंसान मजबूत से मजबूत गांठ खोल सकता है, लेकिन किसी को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ सकता। मैं क्या करूं? मैंने ना अपनी बहन को वचन दिया कि मैं राधिका और इच्छाधारी नाग दोनों को मार दूंगी। तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। तू इच्छाधारी नागिन है और तू ही राधिका। एक तीर से दो शिकार, वाह। हाँ, और तूने मुझे दो जीवों की हत्या करने से भी रोक लिया। अब मुझे सिर्फ एक को मारना है और वो है तू। हे माता रानी, हमारी राधिका की रक्षा करना। उस बेचारी ने तो इस घर की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं की। आज फिर से एक बार उसकी जान खतरे में है माता रानी। उन शैतानों को आज दिखा देना ये अंधेरा कभी भी उजाले से नहीं जीत सकता। मेरे बेटे और बहू की रक्षा करना मां, बस अब तेरा ही सहारा है। तू तो मुझे तब मारेगी ना जब तू खुद जिंदा रहेगी। आज होली का दहन की रात है। आज की रात अच्छाई की जीत बुराई पर हुई और आज भी वही होगा। अच्छाई की जीत और बुराई की हार। चलो आज ये भी देख लेते हैं कि जीत किसकी होती है, मेरे दिए हुए वचन की या तुम्हारे विश्वास की।
क्या कहा था तुमने राधिका? आज होली का दहन की रात है और आज के दिन सच्चाई की जीत होती है बुराई पर। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, सच्चाई बुराई के कदमों में बैठी। अब क्या करें? ये तूने अच्छा नहीं किया। बुराई का अंत बुरा ही होता है, तुझे इस बात का अंदाजा अपने दर्द से हो ही गया होगा। बहुत दर्द हुआ राधिका, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगी ना जिसकी 30 जिंदगी भर तुम्हारे सीने में रहेगी। मैं तुझे तो नहीं मार पाई, लेकिन तेरे दोस्त को नहीं छोड़ूंगी मैं। ये मर क्यों नहीं रही है? शैतान को मारना इतना आसान नहीं है। जिस पवित्र गंगा जल से तुम शैतानी शक्तियों को दूर करते हो ना, उस गंगा जल को तो तुम इंसानों ने ही अपवित्र कर दिया है। भगवान ने तुम इंसानों के उद्धार के लिए जो चीजें बनाई है, उसका विनाश अगर तुम इंसान खुद अपने हाथों से करोगे तो शैतानों की ताकत तो बढ़ी जाती है ना। Yeah.
लकड़े इकट्ठा कर, आज हम इस डायन का दहन करें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है? पाप का अंत पापी के अंत से ही होता है। राधिका देखो देखो, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, सारी गलती तो इस डायनी की है। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे कृष्ण के पास ले जाऊंगा। मुझे मेरे कृष्ण के पास लेकर जाओ। चलो। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसका मतलब आज तक तुम लोगों ने कृष को इसी घर में छुपा के रखा, किसी को पता भी नहीं चला। तुम कहाँ जा रही है? वो तू इस टाइम यहाँ कर क्या रही है, मेरे को बताएगी? और पम्मी, वैसे एक बात कहूँ, तू ना बड़ी बेवकूफ औरत है। पर तेरे को अच्छी तरह पता है कि वो इच्छाधारी नागन घर में कहीं खुली घूम रही है, पर तेरे को आधी रात को खिड़कियां दरवाजे खोल के बालकनी से झांकने की पड़ी है। कहाँ और जा कहाँ रही है? बात सुन सुन। ओए, बात क्या है, बताएगी बेवकूफ है? वो जब देखो ना चे 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 करते रहते हो, चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर। मुझे नीचे किसी की आवाज सुनाई दी थी। अच्छा, तेरे को नीचे किसी की आवाज सुनाई दी थी? पति तेरा पूरा दिन कुत्ते की तरह पौंख पौंख के अपना गला बिठा रहता, आवाज सुनी कभी मेरी? बाहर वालों की आवाजें सुनाई दे रही है। उस दिन क्या कह रही थी मेरे को अस्पताल में? मैं वो हल्के रंग की सफेद वाली विधवा वाली साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं उससे अच्छी लगूंगी। अब क्यों मेरे को हार्ट अटैक दे के तू विधवा बनने की तैयारी कर रही है? कितना बोलते हो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सुनो, मुझे तो लगता है ना सब लोग मिलके लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। वो कैसे? पहले प्रीति गायब होगी, अब इस वो डायनी और करण का कोई अता पता नहीं है। ना जाने कब इनके ये खेल खत्म होंगे और कब हम लोग करोड़पति बनेंगे। मम्मी जी, वैसे मैं सही बताऊँ ना, मैं भी इंतजार तो उसी दिन का कर रहा हूँ। करोड़पति बनेंगे, करोड़पति, पैसों की बारिश होगी, नोट उड़ेंगे नोट, मजा आएगा। ओए कौन है भाई, नीचे आऊ तेरी बहन दी? कोई नहीं है मम्मी जी, कोई नहीं है।
हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा, दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तुम्हारी जान भी ले सकती है, तुम जाओ यहां से। नहीं क्रिश, मेरी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है, भला मैं आपसे दूर कैसे चली जाऊंगी। एंड डोंट वरी, अब आप मुझे मिल गए हैं ना, आप सब ठीक हो जाएगा। ये बहरूपिया यहां क्यों आया है? हाँ, ये भैरूपिया मुझे यहां लेकर आया। राधिका देखो, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे क्रिश के पास ले आया ना, अब जाने दो मुझे। कोई किसी इंसान की इतनी बुरी हालत कैसे कर सकता है, ये सिर्फ पैसों के लिए। देखो राधिका, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब मैं जा रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जानती। तुमने क्रिश का हमशक्ल होने का फायदा उठाने की कोशिश की, अब तुम इसी बात पर पछताओ। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी सॉरी, अब जाने दो मुझे प्लीज प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम दोनों से। एक सॉरी कह देने से किसी को माफी नहीं मिल जाती, गुनाह करने वाले को सजा जरूर मिलती है, और तुम्हें भी तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीन, उनकी जगह लेने की कोशिश की। राम का नाम रख लेने से कोई भगवान राम नहीं बन जाता। तुम्हारे साथ तो वो सलूक करना चाहिए जो भगवान राम ने रावण के साथ किया था। अब तुम्हारे साथ वही होगा जो प्रीति कृष्ण के साथ करने वाली थी।